हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और कल ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। परसों बेटा जिस भी स्कूल का एग्जाम है, परसों मतलब संडे के बाद, मंडे को है, परसों संडे है, ऐसा हो सकता है बेटा परसों एक दिन का बैच बुलाना पड़ जाए केस स्टडीज कराने के इस चैप्टर की। ठीक है जी, मजबूरी है थोड़ी सी, भैया पेपर है दूसरे स्कूल का तो मेरे को वो करना पड़ सकता है। ठीक है जी, मैं देख लेता हूँ, नहीं तो अगर वीडियो शेयर करके काम चलता होगा तो मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, कल ऑफिशियली चैप्टर खत्म कर दूंगा, और मैंने कहा था भैया चैप्टर खत्म हो जाएगा जब आपका एग्जाम होगा, उससे पहले पहले खत्म कर दूंगा। अब सब सामने देखेंगे बेटा थोड़ी देर के लिए। मैंने ना बेटा तीन वर्ड पे चर्चा करनी है। अभी अकाउंट्स में कुछ ही दिन पहले मैंने इस चर्चा को खत्म किया, लेकिन अब मोस्ट डिटेल्ड फॉर्म में चर्चा करनी है, जितने बाकी थे उससे ज्यादा। सब सामने देखते रहना बेटा। एक वर्ड जिसके ऊपर मेरी चर्चा रहेगी वो है बेटा ब्रांडिंग। एक वर्ड जिस पे चर्चा रहेगी वो है कॉपीराइट। ब्रांडिंग या अभी कह लो ट्रेडमार्क, मेरा इन दोनों वर्ड पे चर्चा है। और बेटा एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं पेटेंट्स। तीनों वर्ड पे चर्चा करनी है, आराम से सुनना और समझना। और मैं बता रहा हूं एज पर माई एक्सपेक्टेशन कुछ आ रहा है ये मंडे को, इनमें से कुछ ना कुछ पे शॉर्ट नोट आ रहा है इन तीनों में से। बेटा अभी ब्रांडिंग वर्ड क्लियर करने के लिए ना बहुत सारी बातें समझनी पड़ेंगी। एक वर्ड है ब्रांड, पहले उसको समझना पड़ेगा। ठीक है जी, फिर वर्ड है एक ब्रांड नेम, उसको समझना है। एक वर्ड है ब्रांड मार्क, उसको समझना है। एक वर्ड है ट्रेडमार्क, उसको समझना है, तब जाके बात समझ में आएगी आपको। तो सारी ब्रांडिंग क्या चीज है, सब आराम से समझ रहे हैं बेटा। ठीक है जी, जल्दी कोई नहीं है, मैं स्पीड और स्लो कर रहा हूं, आराम से समझाऊंगा ये बातें। बेटा सबसे पहले ब्रांड क्या चीज होती है बेटा? कोई भी नाम, कोई भी सिंबल, कोई भी लोगो, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और देयर कॉम्बिनेशन, फॉर अ प्रोडक्ट इज ब्रांड। एनी नेम, सिंबल, लोगो, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और देयर कॉम्बिनेशन फॉर अ प्रोडक्ट इज अ ब्रांड। बेटा एक प्रोडक्ट पे ना जनरली आपको ये सब चीजें दिखाई देती हैं या इनके कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं बेटा, ऑडी नाम है, साथ ही साथ नाम के साथ लोगो का इस्तेमाल करता है ऑडी। एप्पल को देखो, नाम का इस्तेमाल करता है, लोगो का इस्तेमाल करता है, बेटा कुछ और नहीं, ब्रांड है। ठीक है ना जी, कुछ कुछ ब्रांड ऐसे हैं बेटा जो नाम के साथ फोटोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, पार्ले जी, कोई और लोगो नहीं है उनका अलग से, नाम है पार्ले जी और बेटा साथ में दिखाई देता है फोटोग्राफ। एमडीएच, नाम MDH और बेटा साथ में फोटोग्राफ दिखाई देती है। रेड एंड टेलर एक कंपनी है बेटा, रेड एंड टेलर, ठीक है, टेक्सटाइल बनाती है, वो क्या करते हैं नाम के साथ सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा अलग अलग ब्रांड अलग अलग तरीके से पॉपुलराइज है, कोई नाम के साथ लोगो इस्तेमाल कर सकता है, कोई नाम के साथ फोटोग्राफ, कोई नाम के साथ सिग्नेचर, या कुछ और भी, कोई सिंपल नाम ही दे सकता है, सिर्फ लोगो भी नहीं होता कहीं के पास। ठीक है जी बेटा, ब्रांड नेम क्या होता है? ब्रांड का वो पार्ट जो बोला जा सकता है, जो अटरेबल है। ठीक है जी, दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, ब्रांड का वो हिस्सा जो बोलकर बताया जा सकता है। और बता देता हूं सिर्फ एक हिस्सा बोल के बताया जा सकता है, वो ये है, बाकी कुछ बोल के नहीं बताया जा सकता। ये तो बस कहने की बातें हैं कि ये चार चूड़ियां हैं, लोगों का भी बोले नहीं जा सकते भैया, ये कहने की बात है। एप्पल का सिंबल क्या है जी? अच्छा जी, एक कट लगा हुआ सेब, ये वो बोलने के लिए बातें हैं, सिंबल कभी बोले नहीं जा सकते बेटा। समझ में आती है? ब्रांड नेम क्या होता है? ब्रांड का वो हिस्सा, ब्रांड में तो बहुत सब कुछ है ना, ब्रांड का वो हिस्सा जो बोला जा सकता है, सिर्फ उसे ही ब्रांड नेम बोलते हैं। समझ में आती है बात बेटा? ब्रांड मार्क क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन बट रिकॉग्नाइज्ड विजुअली, जो बोला नहीं जा सकता, जो अटरेबल नहीं है, पर देख के पता लग जाता है ये किस ब्रांड को डिनोट कर रहा है। भैया बताओ किसको नहीं पता किस ब्रांड को डिनोट कर रहा है? देख के पता लग गया ना किस ब्रांड को डिनोट कर रहा है, बोला जा सकता है, बोला नहीं जा सकता बेटा। ये हैंडशेक ऑफ नोकिया फोन, पता नहीं तब पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे,
बड़ी फेमस हैंडशेक थी नोकिया फोन की बेटा, 1100 1108 जब ऑन किया करते थे हम फोन तो सबसे पहले हैंडशेक आती थी, पता है किसी को? या गट्टू ऑफ एशियन पेंट, एशियन पेंट का यार देखा है, एक एनिमेटेड कार्टून आता है बेटा ऐसे पेंट ब्रश लेकर हाथ में, उसे बोलते हैं गट्टू ऑफ एशियन पेंट। मैं कहता हूं कुछ ना बताओ वो गट्टू दिख जाए पता लग जाता है एशियन पेंट का आर्ट है। बोलना नहीं जा सकता बेटा कुछ चीजों को, लेकिन देख के पता लगता है किस ब्रांड को रिकॉग्नाइज, किस ब्रांड को विजुअलाइज करा रहे हैं ये। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? ट्रेडमार्क क्या होता है जी? बस यार मेरे पास नहीं है समय चुप कराने का। ट्रेडमार्क क्या होता है बेटा? दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच इज गिवन द लीगल प्रोटेक्शन। अगर बेटा ब्रांड के किसी भी हिस्से को आप लीगली प्रोटेक्ट करा लेते हो, लॉ से प्रोटेक्ट करा लेते हो, ताकि कोई और आपके ब्रांड को इस्तेमाल ना कर पाए, उसे बेटा हम बोलने लगते हैं ट्रेडमार्क। बेटा क्या लॉ रजिस्टर करता है? करता है। देखो कहीं ना कहीं ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप किसी और का नाम लोगों का इस्तेमाल करोगे तो कहीं ना कहीं बेटा कस्टमर धोखा खा सकता है, आप उसके नाम का एक अनड्यू एडवांटेज उठा सकते हो। ऐसा लगता है आपको कि नहीं लगता? चलो अच्छा, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो बेटा एक दुकान यहां पर भी खोल लो ना, मैं इसके में नाम रख दो फाइव स्टार जनता, नहीं मिलेगा अनड्यू एडवांटेज? ईमानदारी से बता दो आज, अनड्यू एडवांटेज मिलेगा कि नहीं? अगर आपको लगता है नहीं मिलेगा, एक दुकान खुलवा दो ना, नो मैं में नाम हल्दी नाम रखवा दो, बस 100% अनड्यू एडवांटेज मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता इन चीजों का? आप छोटे छोटे ब्रांड सोचते हो, मैं बड़े बड़े की बात कर रहा हूँ बेटा। लोग समझते हैं अच्छा जी हल्दीराम के परिवार से कोई लेना देना है, या हल्दीराम की नई फ्रेंचाइज खुली है यहाँ पर, अभी आ जाएंगे सामान लेने। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? तो अनड्यू एडवांटेज तो होता है ना, तो बेटा इसी वजह से कोई आपके नाम को, आपके लोगो को, आपके सिंबल को, आपकी फोटोग्राफ को कॉपी ना कर पाए। लोग अपने ब्रांड को लीगली प्रोटेक्ट कराते हैं, जब वो लीगली प्रोटेक्ट करा लेते हैं तो इसको हम ट्रेडमार्क बोलने लगते हैं। समझ में आती है बेटा बात? पक्का से सारी टर्म क्लियर है कि नहीं है बताओ? ठीक है जी। और बेटा फिर ब्रांडिंग क्या होता है? मैंने अभी खत्म नहीं किया टॉपिक, मैंने अभी प्रैक्टिकल बात तो बतानी भी शुरू नहीं करी, मैं अभी बेटा प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, बहुत समझ में आएगा आपको कि क्या किस्सा होता है बेटा। ये ब्रांडिंग क्या चीज होती है बाबू? अगर ब्रांड वर्ड पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया ना, तो ब्रांडिंग एक मिनट का किस्सा है। व्हाट इज ब्रांडिंग? असाइनिंग अ ब्रांड टू अ प्रोडक्ट इज ब्रांडिंग। क्या मैंने बोला? असाइनिंग अ ब्रांड टू अ प्रोडक्ट इज ब्रांडिंग। एक ब्रांड को ब्रांड देना ही, एक प्रोडक्ट को ब्रांड देना ही ब्रांडिंग होता है। ठीक है जी। और कभी आपको लगे कि यार इतना छोटा सा लिखूंगा टीचर नंबर ना दे, तो ब्रांड वर्ड को क्या करो बेटा? इलेबोरेट कर दो। मैंने बोला असाइनिंग अ ब्रांड टू अ प्रोडक्ट इज ब्रांडिंग, आप ये बोलो असाइनिंग अ नेम और सिंबल और लोगो और फोटोग्राफ और सिग्नेचर और देयर कॉम्बिनेशन टू अ प्रोडक्ट इज ब्रांडिंग। यहां ब्रांड लिखना था, मैंने ये सब लिख दिया। असाइनिंग अ ब्रांड टू अ प्रोडक्ट इज ब्रांडिंग, और ब्रांड वर्ड की जगह ये सब भी लिख दोगे तो भी बात चलेगी, दो लाइन की डेफिनेशन बन जाएगी, तब तो मिलेंगे नंबर। बात तो वही लिख के समझ में आती है बात? अब बेटा आपको ना एक लॉ की बात बताता हूँ, लीगल एनवायरमेंट में क्या चलता है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चलता है। ये तो थ्योरी थ्योरी वाली बातें हो गई बेटा। आप कोई भी नाम को, कोई भी लोगों को, सिंबल को जब अप्लाई करते हो सरकार के पास कि सरकार जी मेरा ये नाम है मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको रजिस्टर कर दो, तो सरकार क्या करती है 72 घंटे के अंदर अंदर आपको परमिशन दे देती है कि आप अपने नाम के ऊपर टीएम लिख सकते हो। 72 घंटे में ही परमिशन मिल जाती है। ठीक है जी। टीएम का मतलब ट्रेडमार्क से, इसका मतलब ये नहीं है कि रजिस्टर्ड हो गया ये आपके नाम पर। आधे बच्चों को धोखा होता है, लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। 72 घंटे में टीएम मिल जाता है, मिल गया जी टीएम। उसके बाद सरकार क्या करती है, अपनी मैगजीन्स में पब्लिश करती है कि भाई मनीष कालड़ा ने अप्लाई किया सक्सेस मंत्रा के नाम से, कोई और ट्यूशन पढ़ा रहे इस ब्रांड नेम में तो बता दो, किसी और का है क्या, उसने कॉपी तो नहीं किया, ऐसे पूछती है सरकार। सरकार ने पूछना शुरू करा, मैंने भी अप्लाई किया कभी 2018 के आसपास, 17 के आसपास। ठीक है जी। और 11 कंपनियों ने बोल दिया जी हमारा है, मैं एक्चुअल बात बता रहा हूँ आपको जो मेरे साथ हुआ, 11 ने बोल दिया कि ये हमारा है, 11 कंपनियों ने ऑब्जेक्शन लगा दी मेरे ऊपर। ठीक है जी। केस शुरू हो गए, मैं अटल था, मेरे को ये नाम चाहिए, क्योंकि मैं ये नाम में ना कब से पढ़ा रहा हूँ, मेरी 12th 2010 में, 2011 में मैंने पहला बैच लिया, मुझे जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने रजिस्टर नहीं कराया, 2018 में जरूरत महसूस हुई तो मैं रजिस्टर कराने गया, मुझे क्या पता था 11 कंपनियां पीछे पड़ जाएंगी, 11 कंपनियां पीछे पड़ गई 2018 में। तो
कोर्ट ने बहुत प्रूफ मांगे 2011 के कि मैं 2011 से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने सब पेश किए, सब कुछ हुआ, 2.5 साल तक केस लड़े, ठीक है जी। फाइनली 2.5 साल के बाद कोर्ट ने कह दिया सबका रिजेक्ट हो गया, नाम ये नाम मेरा, मुझे मिला, ठीक है जी। जब बेटा ये नाम रजिस्टर्ड हो जाता है तब आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो आर, कि ये आपके नाम पर है, हवा नहीं है कोई, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो ये बात सिर्फ हवा है, एक काम कर लो, गूगल पे लिखो पब्लिक सर्च, लिखो 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 फटाफट से लिखो, जल्दी से गूगल में लिखो पब्लिक सर्च, सारे कुछ है आज गूगल पे वर्ड लिखा पब्लिक सर्च, पहली जो वेबसाइट है उस पर क्लिक कर दो, ये सरकारी वेबसाइट है बेटा, जहां पर ट्रेडमार्क कॉपीराइट ब्रांड सब रजिस्टर्ड होते हैं। पब्लिक सर्च ओके कर दिया बेटा, ट्रेडमार्क स्टार्ट्स विद लिखा हुआ है, वैल्यू में पुट कर दो सक्सेस स्पेस मंत्रा, सक्सेस स्पेस मंत्रा। इसके नीचे पूछ रहा है कौन सी क्लास, क्लास में लिखो 41, एजुकेशन से रिलेटेड क्लास 41 है, एजुकेशनल सर्विसेज सब 41 क्लास में, और नीचे राइट कैप्चा डाल दो जो भी कैप्चा आपके पास आ रही है और सर्च करो, राइट कैप्चा डाल दो और सर्च करो। स्टार्ट्स विद के सामने आगे लिख दिया था ना वैल्यू में सक्सेस स्पेस मंत्रा, जहां वैल्यू डालने को कह रहा है वहां डाल दिया था ना स्टार्ट्स विद के सामने सक्सेस स्पेस मंत्रा, क्लास के सामने 41 राइट कैप्चा डाल दो नीचे जो इमेज है, डाल दिया सर्च करो हैं भाई साहब, 1 2 3 ही पढ़े ना, आगे स्क्रॉल डाउन करो, 11वां नंबर पढ़ो पहले, 11वां नंबर, 11वां नंबर पढ़ो, 11वां नंबर, ऐसे ही कुछ भी पहले पढ़ो, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो पहले पढ़ो, मेरा लोगो है कि नहीं, ये वाला लोगो लिखा वहां पे बना हुआ है कि नहीं बना, हाँ ऐसे ही कुछ भी, ठीक है सर। और बाकी रही बात अरमान शर्मा या कुछ भी आप पढ़ रहे हो, देखो कहीं ना कहीं अबैंडन्ड है, रिजेक्टेड है, या तो वर्ड होगा अबैंडन्ड, रिजेक्टेड, ऑब्जेक्टेड, ऐसे कुछ वर्ड लिखे होंगे, किसी के पास रजिस्टर्ड नहीं है भैया कुछ भी थोड़ी, हाँ हाँ अभी करते ठीक है, चलो खैर है। विद डिवाइस का मतलब देख मैंने बता देता हूं, मैंने क्या क्या रजिस्टर्ड कराया हुआ है, नाम रजिस्टर्ड कराया हुआ है, सक्सेस मंत्रा कराया हुआ है, साथ में लोगो कराया हुआ है, यही लोगो रजिस्टर्ड, ये डिवाइस है उनके हिसाब से, साथ में टैगलाइन भी कराई हुई है मोल्ड योरसेल्फ टू बी अ बिजनेस एक्सपर्ट, तीन चीजें रजिस्टर्ड है मेरी, मेरे नाम पर तीनों यूनिक है। हाँ जी सर स्पीको, रख सकता है कोई और बिजनेस में रखना चाहे, वो बोल रहा है कोई और सक्सेस मंत्रा नाम रखना चाहे कोई और बिजनेस में, रख सकता है, रख सकता है भाई, हम अंबानी तो है नहीं कि हमें लगे कि कुछ इन्फ्लुएंस, मतलब मेरे को नहीं लगता कि किसी को मेरे नाम से कोई और एडवांटेज मिल सकती है किसी और बिजनेस में, लेकिन मैं सच बता देता हूँ, ये जितनी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस है, इसने क्या किया होगा, इसने तो इकट्ठा सारी क्लास 42-43 क्लास है सब में रजिस्टर्ड करा दिया था रिलायंस अपने नाम पर। बड़ी कंपनियां यही करती हैं, कोई भी नाम चूज करती है ना अपने दिमाग में रखती हैं, चुपचाप से अपने लॉयर सीए को कहते हैं सारी क्लास में रजिस्टर्ड करा दो, कोई भी एडवांटेज ना ले पाए, चाहे काम धंधा करे या ना करे अपने नाम पे रजिस्टर्ड जरूर करा लेते हैं, ऐसा करते हैं बड़े, ठीक है जी। अब बड़ा बनना है तो उनके जैसा सोचना पड़ेगा, करा लो तुम भी क्या फर्क पड़ता है, मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा, थोड़ा सा सोचोगे बड़ा तभी बड़ा बनोगे, जिसने सपने ही नहीं लिए वो कभी बड़ा हुआ क्या, मैं सोच रहा हूँ सारी क्लास में करा दूं जब से गर्व ने मेरे दिमाग में डाला, चलो खैर लेट इट बी, बात समझ में आती है फिलहाल, सामने देखना जी। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, बस 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 बस, अच्छा एक बात बताओ, जब मेरे ऊपर 11 कंपनियों ने ऑब्जेक्शन लगाई तो क्या मैं टीएम वर्ड यूज कर सकता हूँ? सर टीएम वर्ड आप यूज कर सकते हो, सालों साल कर सकते हो, जब तक रिजेक्ट ना हो जाए तब तक यूज कर सकते हो आप, अगर बिल्कुल रिजेक्शन मिल गया आपको तो बेटा तब टीएम वर्ड भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन टीएम वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि ट्रेडमार्क मिल गया, ऐसे ही लोग खुश होते रहते हैं, आप भी खुश होते रहते हो कि टीएम देख के कि इन्हें ट्रेडमार्क मिला हुआ, कुछ नहीं होता टीएम का मतलब, एप्लीकेशन दे के बैठ जाओ जो मर्जी आपके ऊपर केस करे, टीएम वर्ड चल रहा है, आर वर्ड की वैल्यू है, टीएम वर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, टीएम का मतलब है बस एप्लीकेशन दी हुई है, दैट्स इट। और आपको बता देता हूँ कई बार कुछ वर्ड इतने गंदे फंस जाते हैं कि 20-20 साल आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होते, 20-20 साल नहीं होते,
मेरे पास एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, मतलब बड़े बड़े ब्रांड भी फंस जाते हैं इस चीज में, ठीक है। नहीं मैं बता देता हूं, एक वर्ड है लक्स कोसी। लक्स एक प्रोडक्ट बनाता है कोसी के नाम से अपना। बेटा लक्स क्या रजिस्टर्ड है? बिल्कुल रजिस्टर्ड है। लक्स वर्ड लग्जरी को इंडिकेट करता है, ठीक है जी। बेटा कोसी जब इन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बनाना शुरू करा, उसको अप्लाई करा टीएम, आज तक टीएम में है भाई। इतनी बड़ी कंपनी रजिस्टर्ड करा पाती तो हम क्या है, बहुत बुरे बुरे लोग फंस जाते हैं। टीएम ही है आज भी, आप सिर्फ गूगल पे लिखना लक्स कोजी, इमेजेस में चले जाओ, जहां लक्स कोजी लिखा है देख लेना, कोजी के ऊपर हमेशा टीएम है, कभी रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ लक्स ही रजिस्टर्ड है उनका, ऐसे ही लिखते हैं वो। लक्स के ऊपर आर और कोजी के ऊपर टीएम, 20 साल से तो मैं देख रहा हूं। समझ में आती है बात? अगर एक सेकंड पॉज करना बेटा, ब्रांडिंग वाला पोर्शन मेरी तरफ से खत्म है बस ही। अब सर 10 मिनट बिल्कुल चुप बैठो ताकि मैं ये पोर्शन खत्म कर दूं, मेरे पास कल का भी बहुत सारा टारगेट है। बेटा अब मैं बात करता हूँ कॉपीराइट की, ऑल्दो अकाउंटेंसी में इसकी बात बहुत अच्छे से की है, फिर थोड़ी सी बात करता हूँ। बेटा कॉपीराइट किसी भी लिटरेरी वर्क के लिए लिया जाता है, किसी भी लिटरेरी वर्क के लिए। आपने बेटा कोई यूनिक सा म्यूजिक लिख दिया, म्यूजिक कंपोजर हो, ठीक है जी, आप ले सकते हो कॉपीराइट। आपने कोई वेब सीरीज लिख दी, ठीक है जी, ले सकते हो कॉपीराइट। आपने कोई मूवी लिख दी, कंटेंट राइटर हो, ले सकते हो कॉपीराइट। आपने कोई बुक लिख दी, बिल्कुल कॉपीराइट ले सकते हो। बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अलाउ करती है कोई भी लिटरेरी वर्क जो यूनिक है आप उसको अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा सकते हो, कोई बाद में उसे अपना नहीं बता सकता। मैंने आपको एक इंडस्ट्री की बात की थी, तब भी बात की थी, अभी बोल रहा हूँ, सबसे मतलब खतरनाक इंडस्ट्री में से एक है बॉलीवुड, ठीक है जी। वो इस सेंस में खतरनाक है कि बेटा कंटेंट बहुत ज्यादा चोरी होते हैं, ठीक है जी। इसलिए बेटा जो कंटेंट राइटर है, बड़े बड़े लोग हैं भैया कंटेंट राइटर, ठीक है ना जी, सलमान खान जी के पिताजी, उन्होंने भले टाइम में बहुत मूवीज लिखी हैं, शोले में भी उनका कोई ना कोई रोल रहा था जो इतनी हिट मूवी हुई थी। आपको क्या लगता है बेटा ये सीधा जाते हैं डायरेक्टर के पास, जी मेरी मूवी है, डायरेक्शन शुरू करो कल से। भैया अगर गलती से भी इन्होंने अपनी मूवी बता दी या सुना दी ना किसी को, बेटा अगले दिन ही डायरेक्शन शुरू कर देगा डायरेक्टर, तो आप कभी जिंदगी में साबित नहीं कर पाओगे कि ये यूनिक कंटेंट आपका। तो बेटा ये लोग जब भी कंटेंट लिख लेते हैं अपने हाथों से, सबसे पहले कॉपीराइट लेते हैं उसका। जब ये इनके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाता है तब जाते हैं डायरेक्टर्स के पास। तार्जन मूवी देखी है? उसने डिजाइन बनाया था, इन्वेंशन करी थी, कुछ नहीं, पेटेंट तो लिया नहीं, सीधा पहुंच गया कंपनी के पास, और उसके बाद कुछ बेनिफिट मिला उसे? कुछ नहीं मिला। बिना पेटेंट के जाओगे कोई चोरी कर देगा, पूरी जिंदगी नहीं कह सकते मेरा डिजाइन था ये। समझ में आ रही है बात? इसलिए जितनी वेब सीरीज बनती हैं, जितनी मूवीज बनती हैं, जितने लोग म्यूजिक कंपोज करते हैं, सबसे पहले कॉपीराइट लेते हैं, उसके बाद बेटा बताते हैं म्यूजिशियन को ये गाना गा दो, डायरेक्टर को कि ये मूवी बना दो। समझ में आती है बात? सर अभी आपको ये लग रहा होगा मैंने अकाउंट्स में बोला था कि ये चीज एसेट कैसे है। सर कोई चीज आपको अरबों रुपए का बेनिफिट दे सकती है, आपको क्या लगता है एसेट नहीं है? उस टाइम पर भी मैंने एग्जांपल दिया था कि पुराने जितने पंजाबी सॉन्ग है या कुछ भी है, आज जितनी भी नई मूवीज आ रही हैं, बार बार उनके रीमिक्स आ रहे हैं, नए से नए रीमिक्स आ रहे हैं ना। गल बन गई गाना था ना सुखबीर का, आज भी रीमिक्स आया था उस टाइम पहले ही मूवी में। बेटा आप बताओ मेरे को पैसे नहीं मिले होंगे सुखबीर को? आज भी मिले होंगे। कैसे आपकी एसेट नहीं है? कैसे आपकी एसेट नहीं है? और मैंने ये बात बताई भी थी, आप आज की तारीख में डीके गोयल सर की बुक पढ़ रहे हो, 12th क्लास में टीएस गरेवाल सर की बुक पढ़ोगे या और किसी ऑथर की? वैसे फेमस तो बेटा ऑल इंडिया में यही दोनों ऑथर है, डीके गोयल और टीएस गरेवाल। आपको क्या लगता है इन्होंने एक बार बुक लिख दी, एक ही साल बेनिफिट मिला इनको? पता कितने करोड़ों रुपए की बुक एक साल में बिक जाती है? पता बेनिफिट का कि कितना बेनिफिट है? इसलिए एसेट है बेटा, क्लियर है? कॉपीराइट था बेटा। उसके बाद पेटेंट्स की बात करते हैं बेटा। पेटेंट्स जनरली फेमस तो बेटा फार्मा सेक्टर में, फार्मा सेक्टर हमारा ड्रग्स वाला सेक्टर, मेडिसिन वाला सेक्टर बेटा, फार्मा सेक्टर में फेमस है। फिर भी बेटा अगर आपकी कोई नई इन्वेंशन है, आपका कोई नया फॉर्मूला है, आपकी कोई नई डिस्कवरी है, आप उन सबके लिए पेटेंट्स ले सकते हो। बेटा मेडिकल वाली लाइन में पेटेंट 17 सालों के लिए मिलते हैं, 17 लॉन्ग ईयर्स।
और 17 सालों तक आप बेटा उस फॉर्मूला का यूज करके कमा सकते हो। देखो आपने थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी समझना और थोड़ा सा उन कंपनी के एंगल से भी समझना जो रिसर्च करती है। बेटा एक बीमारी चल रही है और बहुत बुरी तरीके से फैल गई है पूरी दुनिया में, लेट्स सपोज की कोविड की बात करते हैं, और बेटा कंपनीज ने रिसर्च करनी शुरू करी। प्लीज सामने देखना, मैं बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। कंपनीज ने रिसर्च करनी शुरू करी और एक कंपनी ने ना बेटा वैक्सीनेशन डेवलप कर दिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अप्रूव ना करे, उसको पेटेंट ना दे, तो परेशानी क्या है? परेशानी यह बेटा आप सबको और मुझे ना राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। अगर थोड़ा सा इसके बारे में ना, तो बहुत थोड़ा सा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का क्या मतलब होता है? इंडिया में आप कोई भी कॉमोडिटी बेचोगे, कंज्यूमर को राइट है जानने का कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, लिख के बताओ। तो कंपनी ने लिख के बता दिया हमने ये सॉल्ट यूज करा मेडिसिन में, ठीक है भैया। दूसरे प्रोड्यूसर भी तो है, उन्होंने उठा के देखा, अच्छा ये सॉल्ट, ये सॉल्ट, अरे ले, कल उनकी भी वैक्सीनेशन तैयार। भाई एक बात बताओ, फिर वो कंपनी का भी रिसर्च करेगी दोबारा? उसने रिसर्च पे 200 करोड़ खर्च दिए, 500 करोड़ खर्च दिए और आपने उसको कमाने का मौका नहीं दिया, वो दोबारा रिसर्च करेगी? कभी भी नहीं। सारी कंपनियां छोड़ के भाग जाएंगे इंडिया, सारी फार्मा कंपनी। इसी वजह से बेटा हम उनको पूरा मौका देते हैं कि आप अपनी रिसर्च के पैसे निकालो और अच्छा खासा कमाओ। बेटा 500 करोड़ रुपए खर्च करके कंपनी ने रिसर्च करी और मान लो वैक्सीनेशन डेवलप हो गई। अब बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको 17 साल के लिए पेटेंट देती है। 17 साल कोई भी इस फॉर्मूला का यूज करके मेडिसिन डेवलप नहीं कर सकता। 17 साल आपके कमा लो जितना कमाते, 17 साल कमाओगे उस फॉर्मूले का यूज करके। 18वें साल कोई भी कॉपी कर सकता है, वैसे पेटेंट रिन्यू भी हो जाते हैं, रिन्यू भी हो जाते हैं 18वें साल। अगर मान लो रिन्यू नहीं हुए, 18 साल के बाद कोई कॉपी कर लेगा, बना लो, पर 17 साल कमा लिया ना अच्छा खासा। शायद अगर 500 करोड़ खर्च करे होंगे बेटा, 5,000 करोड़ कमा लिए होंगे। समझ में आती है बेटा बात? क्लियर है बात? सर फॉर्मूला में ना खाली एक मेडिसिन नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं हमेशा बैच में एग्जांपल लेता हूँ थम्सअप का भी। सर आज तक थम्सअप जैसी सॉफ्ट ड्रिंक कोई नहीं बना पाया, है सिमिलर टेस्ट किसी भी ब्रांड में। कोशिश तो बतेरों ने करी ना, बीच में सॉफ्ट ड्रिंक बहुत सारे ब्रांड के आने लगी थी, ठीक है ना। कैच एक कंपनी जो मुझे याद आती है, कैच बना रहा है ड्रिंक, मिरिंडा जैसा टेस्ट है, फेंटा जैसा टेस्ट, सर नहीं है, किसी के पास नहीं है। जबकि मैं कह रहा हूं ऑरेंज कलर में सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाले बहुत सारे ब्रांड हैं, पर भैया सेम टेस्ट नहीं है, कॉपी नहीं कर सकते ना। पता भी लग जाए तो कॉपी नहीं कर सकते। रूहअफ़ज़ा का नाम सुना? रूहअफ़ज़ा का जो ओरिजिनल रूहअफ़ज़ा है, जो ओरिजिनल रूहअफ़ज़ा है बेटा, फ्रांस से उनका एक एसेंस आता है 1 लाख रुपए लीटर। 1 लाख रुपए का 1 लीटर, सिर्फ 2 बूंदें डलती हैं बेटा एक बॉटल में, ठीक है जी। ऐसा टेस्ट किसी भी और ब्रांड में, जितनों ने रूहअफ़ज़ा ट्राई किया है, किसी के पास? किसी के पास नहीं है सर। यू कांट कॉपी इट, क्योंकि लोगों ने रजिस्टर करा रखा है फॉर्मूला अपने नाम पर, ये पेटेंट है, ठीक है जी। बात समझ में आती है? मैंने लास्ट टाइम पर कॉपीराइट का एक एग्जांपल देते हुए ये भी बोला था, शहर में 2 से 3 टीचर मैं जानता हूं जिन्होंने मैथ्स के यूनिक फॉर्मूला डेवलप करके अपने नाम पर रजिस्टर कराए। सानमोर सिटी के मैथ्स के 2-3 फॉर्मूला पे कॉपीराइट लिया हुआ है। चलो खैर, लेट इट बी, ठीक है। 3 वर्ड क्लियर रखते हैं आज के लिए, इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।